सभी जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा पुरी में है, लेकिन आज हम झारखंड की राजधानी रांची जगन्नाथ के मंदिर के बारे में बात करेंगे। यह जो जगन्नाथ मंदिर है, यह झारखंड की राजधानी रांची से कुछ ही दूर धुरवा में स्थित है। यह मंदिर 17वीं शताब्दी की है और काफ़ी प्राचीन है, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव द्वारा किया गया था। मंदिर एक छोटा पहाड़ पर स्थित है, जो लगभग 85 से 90 मीटर है। मंदिर के चारों तरफ पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसके कारण वातावरण अनुकूल रहती है। जैसे ही आप यहां ऊपर तक पहुंचेंगे, आपको यह मंदिर दिखाई देगा और यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही सरल रास्ता बनाया गया है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, रोड जो है पूरे पहाड़ में बना दिया गया है, जिससे 4-व्हीलर 2-व्हीलर सभी वाहन सुविधा से पहुँच जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह रोड बनाया गया है और यहाँ से व्यू भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है और आपको चारों तरफ पेड़ ही पौधा दिख रहे होंगे। और यहाँ से शुरू होती है एंट्री। इस मंदिर में एंट्री करने के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। यूँ तो आप सभी जानते हैं कि आप लोगों ने कभी ना कभी जगन्नाथ मंदिर का दर्शन किया ही होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में जानते हैं? क्या इसके पीछे छिपे इतिहास के बारे में जानते हैं? नहीं तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रांची जगन्नाथ मंदिर के गेट और सारी चीज़ों की जानकारियाँ दे देती हूँ। मंदिर के 2 गेट बनाए गए हैं। पहला गेट यह हुआ, यहाँ से आप भगवान जगन्नाथ मंदिर को सीधा जा के दर्शन कर सकते हैं। यह पहला गेट हुआ। दूसरा गेट आप इस साइड से जा सकते हैं। देख सकते हैं कितने भक्त लोग पूजा करके वापस लौट रहे हैं। इधर से आप जाएंगे तो यहाँ आपको दूसरा गेट मिलेगा और यहीं आप बगल में देखेंगे तो कई सारी पार्किंग की सुविधा दी गई है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 4 जगहों से सीढ़ियाँ आती है, जो चोटी तक पहुँचती है, और यहाँ से आप पूरा के पूरा मंदिर को दर्शन कर सकते हैं। जिधर से भी आप कोई भी सीढ़ी पकड़ के भी आएंगे तो आपको सीधा जगन्नाथ मंदिर पहुंचा दिया जाएगा और यहां से आप सरल रूप से भगवान जी के पास पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही आप मंदिर परिसर में एंट्री करते हैं, अंदर का नज़ारा कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। यहां पर कई जोड़ों की शादी कराई जाती है, पूजा हवन कराई जाती है और यहां पर कई सारे लोग एक साथ बैठ के भोजन भी करते हैं। मंदिर परिसर में आपको यह बेल पत्ता का पेड़ नजर आएगा, तो इस पेड़ के नीचे बैठने के लिए बनाया गया है, जहाँ पर ठंडी ठंडी हवा और छांव पड़ती है। यहाँ पर आप बैठ के आराम करके जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मंदिर के रहस्यों और इतिहास के बारे में। इस मंदिर का इतिहास और रहस्य जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इस मंदिर का निर्माण 1691 में हुआ था। बड़कागढ़ नामक इलाके पर नागवंशी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव का शासन हुआ करता था। एक दिन की बात है, राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने उड़ीसा के पूरी शहर जाने का कार्यक्रम बनाते हैं और उन्होंने अपने एक नौकर को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। नौकर और अपने कर्मचारियों को लेकर राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव उड़ीसा के पूरी शहर पहुंच जाते हैं। पूरी पहुंचने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की कहानी सुनकर नौकर उनका भक्त हो जाता है। वह महाप्रभु का ही गुण गाने लगता है, सोते जागते उसकी जुबान पर बस महाप्रभु का ही नाम सुनाई देने लगा। आस्था की गंगा में वह डूब चुका था, महाप्रभु का भक्त हो गया। उसे लगा कि भगवान से उसका सीधा साक्षात्कार हो गया है। फिर एक रात की बात है, जब राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव रात्रि विश्राम कर रहे थे, कर्मचारी और नौकर आदि भी सो रहे थे। इसी बीच नौकर भूख से व्याकुल हो उठता है, उसे जोरों की भूख लगी हुई होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे और नौकर भूख से बिलखता रहा। जब उसे कुछ समझ नहीं आए तो उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। मन ही मन उसने गुहार लगाई कि भगवान आप ही कुछ कीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कथाओं के अनुसार उसी रात भगवान जगन्नाथ वेश बदल कर उस नौकर के पास पहुंचे। उन्होंने नौकर से बात की। नौकर ने बताया कि उसे बहुत भूख लगी है, वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अपनी भोग वाली थाली में भोजन लाकर उस नौकर को खिलाया। भोजन करने के बाद नौकर का मन तृप्त हो गया, वह आनंद से भर उठा, उसका पेट भर चुका था। उसने बहुत शांति महसूस की, इस चमत्कार से वह हैरान था। मन ही मन नौकर ने महाप्रभु को धन्यवाद किया। कहा जाता है कि सुबह होने के बाद नौकर ने यह कहानी राजा ठाकुर एनीनाथ सहदेव को सुनाई थी। राजा यह सुनकर हैरान रह गए। इस कहानी ने राजा को बहुत प्रभावित किया। जब रात हुई तो भगवान जगन्नाथ ने पुनः राजा को स्वप्न दिया। भगवान ने कहा, राजन यहाँ से लौटने के बाद
तुम अपने राज्य में भी मेरे विग्रह की स्थापना करो, पूजा अर्चना करो। इसके बाद राजा ने संकल्प लिया कि उड़ीसा से लौटते ही वह अपने राज्य में भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनाएंगे। ऐसा ही हुआ। लौटने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों और कर्मचारियों को बुलाया, आदेश दिया कि पूरी की तरह ही भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया जाए। देखते ही देखते कुछ वर्षों में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया। तब यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ था और यह मंदिर आज जगन्नाथ मंदिर धुरवा में स्थित है। तो ये तो हुआ मुख्य मंदिर जहाँ पे जगन्नाथ भगवान जी विराजमान है। इस पहाड़ पर, इस मुख्य मंदिर से कुछ ही दूर में एक और छोटी सी पहाड़ है जिसमें एक मंदिर है। उस मंदिर को मौसीबाड़ी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, यह जो मौसीबाड़ी है आपने तो सुना ही होगा। रथ मेला के दौरान मुख्य जगन्नाथ मंदिर से लेकर मौसीबाड़ी तक रथ यात्रा निकाली जाती है। यह भव्य रथ मेला 7 दिनों का रहता है। तो यह जो मौसीबाड़ी मंदिर है, यह मंदिर और जगन्नाथ मंदिर दोनों ही आमने सामने हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है और यहाँ पर काफ़ी विशाल मेला लगाया जाता है जो 7 दिनों का होता है। तो ये तो थी जगन्नाथ मंदिर की कहानी। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मंदिर पर आप जब पहुँचते हैं और मंदिर के ऊपर में आप आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से मंदिर देखने को मिलेगा और जगह जगह पर भगवान जी के दर्शन भी होंगे और यहाँ से आपको कई सारे ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी आनंददायक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना खूबसूरत यह नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा आपको मिल जाती है। तो आप अगर जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। अगर आप पूरी नहीं जा पा रहे तो आप रांची में ही जगन्नाथ भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह मंदिर छोटी सी पहाड़ के ऊपर है, तो यहाँ पर पहुँचने के लिए खूबसूरत सा रास्ता बनाया गया है जो पहाड़ के ऊपर ही बनाया गया है और यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं। लेकिन पैदल श्रद्धालु जो पहुँचते हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि इस चोटी, इस मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 5 जगहों से सीढ़ियां बनाई गई है जहां पर आप आराम से पहुंच सकते हैं। 5 जगहों पर 5 जगह जो अलग अलग हैं वहां पर भी पार्किंग की सुविधा दी गई। मंदिर परिसर में घुसने के लिए 2 गेट बनाए गए हैं। तो आप लोग कभी भी दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ बहुत हल्का फुल्का भीड़ रहता है क्योंकि यहाँ पर हर एक तरफ से रोड बनाया गया है, सीढ़ियाँ बनाई गई है जिसके कारण भीड़ कम लगती है। तो आप आराम से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। आपको वहाँ पहुँचने के लिए हर जगह गाइड दिया गया है जहाँ पर आपको बोर्ड में लिखा हुआ मिलेगा जगन्नाथ मंदिर। तो आप इस बोर्ड पर लिखे हुए गाइडलाइंस को फॉलो करके आप मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।